आज बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करती हुई नजर आई। इस सर्वे को सरकार के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर इसे बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है, साथ ही इसका क्या महत्व है वो भी जानते हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। आज बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करती हुई नजर आई। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करने की परंपरा रही है। इस सर्वे को सरकार के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाता है। सरकार इस रिपोर्ट के जरिए अपने पिछले एक साल के कामकाज की समीक्षा करते हुए आगे के प्लान को तैयार करती है। आइए जानते हैं आखिर इसे बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है, साथ ही इसका क्या महत्व है वो भी जानते हैं। संसद में बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे को सामने रखा जाता है और इसमें इकोनॉमी की पूरी तस्वीर सामने आती है और इसे पिछले वित्त वर्ष की समीक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था के ताज़ा हालात के बारे में बताती है। इसमें साल भर में डेवलपमेंट ट्रेंड, किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई है, किस सेक्टर में कौन सी योजनाएं किस तरह लागू हुई हैं, ये सभी जानकारियां शामिल होती हैं। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए सरकार देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर तस्वीर पेश करती है। इसमें पिछले एक साल के कार्य, रोजगार, जीडीपी के आंकड़े, बजट घाटे, मुद्रास्फीति जैसी चीजों की अहम जानकारी दर्ज होती है। इसके जरिए सर्वे को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। आपको बताते हैं क्या क्या जानकारियां इसमें शामिल होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय का एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश को कहां पर फायदा हुआ है और कहां पर नुकसान हुआ है। इस सर्वे के आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था में किस तरीके की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कौन तैयार करता है सर्वे रिपोर्ट? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के इकोनॉमिक्स डिवीजन तैयार करते हैं। इसे मुख्य रूप से मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में बनाया जाता है। इस साल इस आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई वाली टीम ने तैयार किया है। कौन सी जानकारियां आपको मिलती हैं? आर्थिक सर्वे से देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर का पता चलता है। इससे सरकार लोगों के सामने महंगाई से लेकर देश के बेरोजगारी के आंकड़े पेश करती है। इससे आम लोगों को सरकार के आगे की रणनीति और नीति रोड मैप का पता चलता है। आर्थिक सर्वे में अलग अलग सेक्टर्स के प्रदर्शन से लेकर निवेश और बचत से मोर्चे पर देश से किस कदर विकास किया है इसकी जानकारियां भी दी जाती हैं। ये बात थी इकोनॉमिक सर्वे की। अब आइए जानते हैं कब से आम बजट और रेल बजट एक पेश होना शुरू हुआ। 2023-24 के बजट में सबसे ज्यादा पैसा रेल मंत्रालय को दिया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक रेलवे को आम बजट में शामिल ही नहीं किया जाता था। आइए जानते हैं कि किसकी सिफारिश पर रेलवे को यूनियन बजट में पेश किया गया। पहले संसद में दो बजट पेश किए होते थे, रेल बजट और आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। इसके बाद 2017 में आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। उस समय अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को 92 साल से चली आ रही प्रथा को खत्म किया। भारत में बजट पेश करने का सिलसिला 160 साल पुराना है। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के रूप में क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। साल करीब करीब 1859 में वायसरॉयस लॉर्ड केनिंग के स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को बतौर वित्तीय सदस्य नियुक्त किया गया। विल्सन ने 1860 में हिंदुस्तान का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन को पेश किया। इस बजट में रेलवे का लेखा जोखा भी शामिल था। 19वीं शताब्दी में रेल यात्रा करने और माल ढोने का एक प्रमुख विकल्प था। उस समय यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत जरूरी हुआ करती थी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1924 के आते आते पूरे देश के बजट में रेलवे की हिस्सेदारी 70% हो चुकी थी। विलियम एकर्थ के नेतृत्व में गठित हुई समिति ने अपने सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया था। इस समिति का गठन साल 1920 में हुआ था। एकर्थ समिति ने तर्क दिया कि रेलवे अकेले भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, अब ऐसे में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और अलग से बजट होना चाहिए। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तब भी कुल राजस्व में रेलवे की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। इसे ध्यान में रखकर 1949 में गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सिफारिश की थी कि अलग रेलवे बजट की परंपरा जारी रहनी चाहिए। संबंध में संविधान सभा ने एक प्रस्ताव को अप्रूव किया था। आयंगर समिति ने एक सिफारिश ये भी की थी कि रेल बजट यदि संभव हो तो आम बजट से पहले सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इन दोनों बजट पर चर्चा के लिए अलग अलग दिन आवंटित किए जाए। इसके अलावा रेलवे की एक स्थायी वित्त समिति का गठन किया जाने का सुझाव दिया गया जो रेलवे बजट पर चर्चा की तारीख से पहले रेलवे की खर्च की जांच करेगी। आजाद भारत में रेल मंत्री जॉन मथाई ने देश का पहला रेल बजट पेश किया था। धीरे धीरे रेलवे के राजस्व में कमी आने लगी। 1970 के दशक में रेलवे बजट मिलने पर राजस्व का 30% ही रह गया।
2015 से 16 में यह आंकड़ा 11.5% पर आ गया था। तब बहुत से एक्सपर्ट्स ने अलग रेल बजट को खत्म करने का सुझाव दिया। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने का फैसला किया। इंडियन नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित था। रेल बजट को आम बजट में मिलाने से आर्थिक और राजनीतिक फायदे हुए। इस एकीकरण से रेलवे नीतियों का व्यापक आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाया गया। दोनों बजट को मिलाने से आधुनिकीकरण, सुरक्षा, नेटवर्क विस्तार जैसे क्षेत्रों में धन आवंटित करने में सरकार को ज्यादा लचीलापन हासिल हुआ। इससे भारतीय रेलवे में बुनियादी ढांचे के विकास की गति तेज हुई। आज हमारा भारत एट 9 का सिलसिला यहीं, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।